Now, dear student, class 11, today we will be starting the new chapter trigonometry. First, what is angle? हम angle को किस तरह से measure करेंगे? अब angle क्या होता है कि कोई भी एक ray होता है, जैसे एक ray है हमारा O. अब ये किस direction में move कर रही है x-axis, positive x-axis की respect. अब सबों ये O है, यदि ये anti-clockwise direction में move कर रही है, anti-clockwise direction में movement हुआ. Then the angle is taken as positive theta. This is called positive angle. और यदि ये clockwise direction में move कर रहा है ray, then it will be taken as negative angle, minus theta. तो angle को anti-clockwise sense में positive लेते हैं और clockwise sense में हम negative लेते हैं. Now system of measurement of angles. हम angles को किस-किस तरह से measure कर सकते हैं? हमारा जो first system है, this is sexagesimal system. और इंग्लिश सिस्टम, इस सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में. इसमें वन राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. सो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन 1 डिग्री को भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड अगेन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. These are the conversion of degree, जो हम least में हम degree minute और second में convert कर देंगे. Suppose कभी ऐसा आ जाए आपके पास 12 3.3/5 degree, तो हम इसको लिखेंगे 12 degree 3/5 degree. Now ये degree 1 degree से कम है, इसलिए हम इसको minute में convert कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 degree 60 minute के equal होता है. तो इसको solve किया तो हमारा आ गया 12 degree 36 minute. ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 12 degree 36 minute. अब देखिए आपका सेकंड जो हमारा सिस्टम है, दिस इज सेंटिस्मल सिस्टम. ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ व्हाट इज सेंटिस्मल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम. फ्रेंच सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड. इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड. एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड. एंगल को हम ग्रेड में मेजर करेंगे. नाउ वन राइट एंगल, अब इसमें वन राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 ग्रेड, 100 की पावर जी. नाउ वन ग्रेड दिस इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड. ये आपका सेंटिस्मल सिस्टम है. वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अपने आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ. लेकिन जो थर्ड हमारा जो हम इसको अब यूज करेंगे, सर्कुलर सिस्टम, ये हमारा इंडियन सिस्टम. इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. Angle is measured in radian. One right angle, this is equal to pi by 2 radian. Now first we will define the definition of one radian. What is one radian? हम one radian को define कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं. What is one radian? Now one radian. It is also denoted as 1 की पावर c. c means circular. Is the angle subtended at the center of circle such that arc length is equal to radius of circle. यदि arc length और radius of circle आपस में equal आ जाएगा तो बेटा हम उसको 1 radian बोलेंगे. देखो इधर समझते हैं. Suppose this is a circle, its radius is r, ये भी r हो गया आपका और ये इसका arc length हो गई s, an angle is theta. तो यहां से हम बात करें तो s इक्वल टू r थीटा. s इक्वल टू r थीटा, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू, तो वेयर s इज
arc length. R is radius and theta is always in radian, angle in radian. This is the important part, angle in radian. S equal to R theta. अब मैंने s equal to r theta लिखा, theta radian में, angle in radian है. If s equal to r, अभी बोला हमने s equal to r, यदि ये दोनों equal हो जाएगा तो theta कितना हो जाएगा बेटा, 1 radian हो जाएगा. So theta is 1 radian, हमारा theta 1 radian आ जाएगा. अब conversion कैसे करेंगे बेटा, degree को radian में convert करना है, radian को degree में convert करना है, तो किस तरह से convert करेंगे? डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे एग्जांपल कन्वर्ट 215 डिग्री या 210 डिग्री इन रेडियन. तो 210 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या बोला, पाई बाय 180. इसको कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया, तो 7 पाई बाय 6 रेडियन. अब आपको याद रखना बेटा, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन एंड 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. सो दीज आर द कन्वर्जन, और ये हमें पता रखना है क्योंकि हर जगह यही काम आने वाला है. 30 डिग्री इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और आगे भी हम इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे. अब देखो यदि मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ आपसे, मैंने बोला सपोज आपसे आ गया कि कन्वर्ट 72 डिग्री 36 मिनट एंड 45 सेकेंड इन टू रेडियन. अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बेटा समझ लीजिए. 72 डिग्री 36 मिनट 45 सेकेंड को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 कर दिया, 72 डिग्री 36 मिनट और ये हो गया 3/4 मिनट. तो 72 डिग्री 36 3/4 मिनट, तो ये आ गया 36 इंटू 4 144 147/4 मिनट. अब इसको मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड डिग्री, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका 147, 72 147 बाय 240 डिग्री. अब जो भी आएगा 72 इंटू 240 कर लीजिए और प्लस 147 कर लीजिए. एक बार मैं करके देख लेता हूं, क्योंकि 72 और 24, 428, 28, 214, तो ये हो गया 8272 2728. एक वन मिनट, सॉरी 1728 ना, 1728 और प्लस 147, 7815 78 1875. सो 1875 अपॉन 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, सॉरी 17280 नहीं, गलत है, सॉरी, और प्लस 147, वन सेवन फोर टू सेवन अपॉन 240 इंटू पाई बाय 180. बस इसको लिख लेना, दिस इज रेडियन, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा. अब रेडियन से डिग्री में यदि मुझे कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट का पार्ट है आपका, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री.
हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करें, रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। एग्जाम्पल 1 रेडियन इंटू डिग्री, और इसका जो भी वैल्यू आएगा बेटा याद भी रखना। अब देखिए 1 रेडियन तो 1 × 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन 22 बाय 7 पाई का वैल्यू रख दिया अप्रोक्सीमेटली 290, तो 630 अपॉन 11 डिग्री, 11 से कैंसिल डिवाइड करो 11 5 55 8 11 7 77 3 बचा 3 बाय 11 डिग्री। अब हम 57 डिग्री 3 बाय 11 डिग्री है तो इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, तो ये आ गया बेटा 57 डिग्री 180 बाय 11 मिनट। 180 को 11 से डिवाइड करो 11 1 11 7 11 6 66 4 बाय 11 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट 4 बाय 11 इंटू 60 सेकेंड, तो 240 बाय 11 22 मिनट अ सेकेंड के अप्रोक्स आ गया। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 1 रेडियन इंटू डिग्री, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। इसका वैल्यू भी याद रखेंगे बहुत जगह आपका काम में आएगा। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं कि कन्वर्ट सपोज 3/4 रेडियन इंटू डिग्री, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3/4 रेडियन, 3/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, 45 से कैंसिल हो गया, सो 135 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से आपको 7/5 35, 945 अपॉन 22 डिग्री। अब 945 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, 88 6 44 90, 4 टाइम गया 88, 6 बचा 22, 4, 44 और 21 बचा, सॉरी, तो ये आ गया आपका 42 degree 21 by 22 into 60 मिनट, तो ये आ गया 630 42 डिग्री 630 अपॉन 11 मिनट। अगेन 630 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे 11 5 55 8 11 7 77 3, तो ये आ गया 42 डिग्री 57 3 बाय 11 मिनट, 42 डिग्री 57 मिनट 3 बाय 11 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 57 63 180 बाय 11, 11 1 11 7 11 6 66 4 11 3 33, तो 16 मिनट सेकंड के अप्रोक्स आ रहा है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 3/4 रेडियन इंटू डिग्री, ये आपका कन्वर्जन हो गया 3/4 रेडियन टू डिग्री। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब बेटा जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाउ टू
मतलब आपका क्वाड्रेंट रूल क्या है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक है क्वाड्रेंट रूल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, अब क्वाड्रेंट रूल क्या है ये समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो वो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसको हमने ऐसे नोट किया। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, तो हमने इसको टी से डिनोट किया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक पॉजिटिव, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें आपका प्रॉब्लम कैसे आएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम यदि हम बात करें, जैसे आपसे बोल दिया ए टेन एक्स इक्वल टू या कोट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, देन फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सपोज हमने बोल दिया एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, इस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कोटेक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर है, तो सबसे पहले मैं टेन एक्स निकालूंगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस फोर बाई थ्री। अब मुझे पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर एक्स, तो वन प्लस माइनस फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो बेटा ये आ गया वन प्लस सिक्सटीन बाई नाइन सेक स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स आ गया आपका 25 by 9, तो बेटा sec x का वैल्यू आ गया हमारा 5 by 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए sec x आ गया हमारा 5 by 3। अब sec x हमारा 5 by 3 आ गया तो cos x आ गया हमारा 3 by 5। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मतलब 9 बाई 25 इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 माइनस 9 बाई 25 इक्वल टू 16 बाई 25, तो साइन एक्स हो गया हमारा माइनस 4 बाई 5, क्योंकि साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साइन एक्स यदि माइनस फोर बाय फाइव आ गया तो बेटा कोसेक एक्स माइनस फाइव बाय फोर आ गया, सो द कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय फोर, ये हमारा कोसेक एक्स का वैल्यू आ गया माइनस फाइव बाय फोर, क्योंकि ये आपका नेगेटिव होता है, कोसेक एक्स नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन एक्स नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी की वैल्यू हमारी इस तरह से निकल गई। तो हमारा देखो कोटेक्स था माइनस थ्री बाई फोर, टेन एक्स आ गया माइनस फोर बाई थ्री, फिर इसके बाद हमारा सेक एक्स आ गया था फाइव बाई थ्री क्योंकि पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस एक्स आ गया हमारा थ्री बाई फाइव, फिर आइडेंटिटी लगा ली तो हमारा साइन एक्स आ गया माइनस फोर बाई फाइव फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फिर वो आ गया हमारा कोसेक एक्स माइनस फाइव बाई फोर अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये वैल्यू इस तरह से आप निकाल। अब इसके बाद जब हम क्वाड्रेंट रूल की बात कर ही रहे हैं बेटा, तो एक चीज और देखिए, बड़ा इजी सा तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। तरीका क्या है कि हमारा ये वैल्यू है जीरो, जीरो रेडियन और टू पाई रेडियन,
यहाँ पर आ गया हमारा 90 डिग्री या पाई बाई टू रेडियन, ये हो गया पाई या 180 डिग्री, और ये आ गया 3 पाई बाई टू और 270 डिग्री। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पाई ये आपका एंटी, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलूंगा पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर हम बात करेंगे टू पाई माइनस थीटा, तो हम बोलेंगे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और टू पाई प्लस थीटा ये हम बोलेंगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यदि हमें ये चारों वैल्यू पता है तो क्वाड्रेंट रूल हमारा इजीली हो जाएगा। अब ये क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल बोला कि मुझे साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल, तो मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो वन टाइम क्या मतलब पाई, और रिमाइंडर भी वन ही बचा है, इस तरह से 4 डिवाइड बाई 3 पाई प्लस पाई बाई थ्री। ना पाई प्लस ये रहा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन पाई बाई थ्री मतलब साइन 60 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई टू। तो हमारा साइन 4 पाई बाई थ्री का वैल्यू माइनस रूट 3 बाई टू आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 25 को 6 से डिवाइड करो, 4 टाइम जा रहा और रिमाइंडर आ रहा है 1। बेटा कभी भी 4 पाई है तो आप इसको लिखोगे 2 पाई, बेटा 2 पाई प्लस, ये रहा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो 10 पाई बाई 6 इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1 बाई रूट 3, ये इसका वैल्यू है। और देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया सेट 19 पाई बाई 3 या 19 पाई बाई 6, तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, 3 पाई प्लस पाई बाई 6। 3 पाई जब भी ओड मल्टीपल है तो पाई लेंगे हम, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम इसको लिखेंगे सेक पाई बाई 6 और इसका वैल्यू होता है 2 बाई रूट 3 पॉजिटिव। अब जैसे मैंने ले लिया कोस 11 पाई बाई 3, अब देखो यदि मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 9 2 रिमाइंडर आ रहा। अब एक रूल क्या होता है बेटा, जिससे आप डिवाइड करो इसका हाफ 1.5 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, यदि आ रहा है तो आप इसके अगले टाइम देंगे, 3 टाइम की जगह 4 टाइम देंगे, तो ये रिमाइंडर आ गया माइनस में, तो मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा बेटा 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई मतलब अभी बताया, 4 पाई मतलब इवन मल्टीपल है तो 2 पाई, 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये इसका वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। एक और देखते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला साइन 27 पाई बाई 27 मत लिखो 29 पाई बाई 6, अब 29 पाई बाई 6 है तो मैं लिखूंगा 5 पाई माइनस पाई बाई 6, नॉट 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 6, 3 पाई प्लस 6 4 24, 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे हम, 5 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। अभी बताया हमने 5 पाई मतलब ओड मल्टीपल है तो पाई लिखेंगे, पाई माइनस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू भी कितना होता है बेटा, 1 बाई 2 होता है। तो आपको इस तरह से देखना है। एक और मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मेरे को किसी की वैल्यू नहीं पता है तो हमें उसको रिड्यूस करना है, तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कोस
11 पाई बाय 7। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 11 पाई बाय 7 को 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7, 5 प्लस 4 पाई बाय 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 का हाफ 3.5 है। 2 पाई माइनस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको रिड्यूस होकर 3 पाई बाय 7, जैसे मैं लिखा साइन 3 पाई बाय 5। ना 5 डिवाइड बाय 2 होता है आपका 2.5, जबकि यहाँ आ रहा है 3। अब जा तो नहीं रहा लेकिन 2.5 से ज्यादा आ रहा है तो हम 1 टाइम देंगे बेटा इसको, और तो यहाँ पर आपको 2π/5 लिखना पड़ेगा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये रिड्यूस होकर 2π/5 आ जाएगा। अब नेगेटिव एंगल की और बात कर लेते हैं कि नेगेटिव एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा नेगेटिव होता है टेन, कोट माइनस थीटा नेगेटिव होता है, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, और कोसेक माइनस थीटा नेगेटिव होता है। ये इस तरह से आते हैं। अब यूज कैसा आएगा, जैसे मैंने बोला साइन माइनस 17 पाई बाय 3, तो पहले तो ये अंदर माइनस है तो साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 17 पाई बाय 3। अब इसको जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे 6 पाई माइनस पाई बाय 3, 6 पाई क्या बेटा 4 2 पाई, तो ये आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और आ गया, और बाहर का नेगेटिव पहले से पड़ा हुआ था साइन पाई बाय 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3, रूट 3 बाय 2, ये साइन की वैल्यू आपकी रूट 3 बाय 2 आ गई।